अस्सलामु अलैकुम कुतुब इलाहाबाद हज़रत सैयदना शेख मुहिबुल्ला शाह अलाहाबादी अलैहि रहमा अलमारूफ़ दादा मियाँ सिलसिले आलिया चिश्तिया के रूहानी पेशवा शेख हज़रत मुहिबुल्ला शाह अलाहाबादी अलैहि रहमा अलमारूफ़ दादा मियाँ का आस्थाना मुबारक है। थोड़ी तारीकी है, लाइट कम है, ये आस्थाना तारुफ़ का मोहताज नहीं कि इनके बारे में बहुत कुछ बताया जाए। आप ऐसे जलील क़द्र शेख और आलिया चश्तिया सिलसिले के गुज़रे हैं कि आप अपने वक्त में ऐसी हस्ती बाकमाल थी, ऐसे वली कामिल वली गर थे आप कि दुनिया ज़माना बादशाहों के कदमों में जाता है। बादशाहों से लोग अपनी अर्ज़ियाँ लगाते हैं, लोग बादशाहों के यहाँ अपनी अर्ज़ी पेश करते हैं, लोग बादशाहों के यहाँ सर झुकाते हैं, लेकिन ये वो वली कामिल हैं कि औरंगज़ेब अलैहि रहमा जैसे जलील क़द्र वली और बादशाह भी थे, वो शरीयत के नहायत सख्त पाबंद ऐसे शख्स अपनी पगड़ी को आपके कदमों में रख दिया करते थे जो शरीयत का इतना पाबंद हो कि बादशाहों की बादशाहत में जो उनको माहाना खर्च मिलता था उसको भी नहीं खाते थे, टोपी बेचकर अपनी ज़रूरियात पूरा किया करते थे, जैसे कि उनकी तारीख में कहा जाता है। ऐसे पाबंद लोग भी आपके कदमों में अपनी पगड़ी को रख दिया करते थे। ये वो आस्थान आलिया चश्तिया है जहाँ पर बहुत से बुरहानुद्दीन खानवादे के और बहुत से कबूर हैं। हस्ती बा कमाल के आस्थान में आज मैं हाजिर हूँ, मुहिबुल्ला शाह दादा मियाँ कहा जाता है। सुने में आज बहुत हाथरी का शर्फ हासिल है। बहुत से नजरात, बहुत तरह के लोग और हर मज़ाहिब के लोग, मुसलमानों से ज़्यादा यहाँ गैर मुस्लिमों का ज़म्मे गफ़ीर रहता है, सालों साल लोग आस्थाने पर रहते हैं। बहुत से मज़ारात आप नज़रों के सामने देख रहे होंगे, जब खानवादे और खानकाह के बहुत सारे सज्जदा नशीन एक के बाद एक दीगर गुजरे हैं, उन सब के मज़ारात। वक्त हो गया है बंद करने का। ताला लग गया, 10 बज गए। बहुत से बुजुर्ग यहाँ आराम फरमाए, आस्थाने की बात बहुत निराली है।